वो। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान वहां पे मैच जीत चुका है 36 hmm. रन उनको चाहिए जीतने के लिए और ये विन मैं तो ये बोल रहा हूं आप एक जॉइंट प्लेयर ऑफ द मैच दें वहां पर नौमान दद्दू को और साजिद कटप्पा को yeah. इक्वल कंट्री दोनों डिजर्व एंड कर... जॉइंट प्लेयर ऑफ द दो सीरीज दोनों डिजर्व करते हैं hmm. जिनको बोला गया कि इनको रिटायर करा दो जिनको बोल रहा था बाबर आजम कि इसको तो रिटायर हो जाना चाहिए वो वापस आके दूसरा टेस्ट मैच में घुमाते हैं सीरीज और तीसरा टेस्ट मैच बैटिंग से जिताया उन्होंने यार देखो स्पिन ट्रैक पर विकेट तो आप लोग गई लेकिन जब हो गया पहले दद्दू रन मार गए फिर कटप्पा जबड़े से भाई दो स्टिचेस लग गए खून आ रहा है खून आ रहा है फोर्टी एट नॉट आउट गया वो आउट नहीं वो एंड तक साउथ शकील के साथ साउथ शकील ने बड़ा सौ मारा एक और फिर फाड़ के रख दिया इंग्लैंड को जब आए वापिस

ऐसी कोई बात नहीं है भाई आपके आप टीम में ऐसे नाम थे जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर सकते थे अभी शान मसूद की कप्तानी तो सबको अच्छी लग रही होगी

क्या छह विकेट लेना सिर्फ और सिर्फ छत्तीस का टारगेट एंड सत्तर की लीड मिली थी ना इन दोनों ने दिलाई थी देखो साउथ शकील सौ तभी मार सकता था साथ में कोई खड़ा हो इन्होंने ही नहीं मारी 177 से 344 और मैं कल भी यही बोल रहा था जब ये 177 से 344 जा सकते तो हमारे प्लेयर भी इस टारगेट को चेस कर सकते हैं तो ये एक लर्निंग है भाई कि कभी भी टेस्ट मैच में हार नहीं माननी चाहिए आपको वापस मौका मिलता है हर एक सेशन में टेस्ट मैच रूप बदलता है बट इन दोनों ने तो जो कर दिया ना मैं फिर वही बोल रहा हूं भाई इन दोनों को ज्वाइंट प्लेयर दीयर जैक रॉली दो रन डकेट बारह रन ओलीपोप एक रूट तैंतीस हैरी ब्रुक छम्पीस तीन भाई स्ट्रोक से तो खेला ही नहीं जाता वो इंडिया में भी आया था अपनी शक्ले देख रहा था वो पाकिस्तान में एक सौ बारह फ्लॉपी रहा है स्पिन के सामने नहीं नहीं ये बैस बॉल ये जो बैस बॉल बैस बॉल बा... करते थे एक सौ बारह पेन के पर उड़ा के रख दिया अब कर लो बैस बॉल ये इस बात ने सही बोला था नो बैस बॉल आकिब बॉलिंग उन्होंने ही कराया ये सारा चेंज जो बाबर बाबर को हटान बाबर को बाबर को, गये गये शाहीन को हटाना भाई को हटाना नसीम को हटाना एक पेसर रखना आमिर जमाल एक, एक पेसर, पेसर उन्होंने सारे पेसर हटा दिए बाहर करो स्प्रिंग ट्रैक दो और फिर बोलर को लाए ये अगर आपके पास ऐसे बोलर थे तो आपने क्यों छुपा के रखे हुए खिलाना नहीं चाह रहे थे ना क्यों आप रिटायर कराना चाहते थे क्योंकि आप फ्लैट ट्रैक पे खुद के रन बनाते थे पाकिस्तान हार जाए बाहर में कोई दिक्कत नहीं चोट टू एंड इंग्लैंड को अपने घर में हरा दी टेस्ट सीरीज चाहे अपनी पिच जो भी है देखो हर टीम होम एडवांटेज लेती है hmm. आपने मतलब की पिच कम से कम आपने दिखाया भाई अब भी टेस्ट मैच जीत सकते हैं hmm. अब क्यों फालतू में तीन साल से हार रहे हैं इसका मतलब कोई जरूरत नहीं थी हार देगी तुम जबरदस्ती हार रहे थे बताओ ये पहला देश है जो खुद ही हरवा जा रहा है खुद ही हारे जा रहे हैं खेल नहीं सकते नोमान अली श्रीलंका में थे

टेस्ट जीते ना उसमें भी इन दोनों की चार छक्के और दो चौके ये जो रन आ गए ना यहां से हाँ, नुमान नुमान की की तो इंग्लैंड खत्म ही हो गया था इसके बाद इंग्लैंड खड़ा नहीं हो सकता था एंड इवन अली भाई 84 बॉल्स में फोर्टी वहां से साउथ शकील 134 60 की स्ट्राइक रेट और बाकी को कुछ करा नहीं लेकिन जो वन थर्टी फोर फोर्टी फाइव so हैं मुबारक हो आपको अपनी जीत और आगे से ना थोड़ा सा दिमाग से चलिएगा जो लोग फ्रैंकली डिजर्व करते हैं आपके एक्ट आपकी वाहवाही उनको ही दीजिएगा जबरदस्ती ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान को हरवाने हीरो बनाने से कुछ नहीं होता कुछ नहीं होगा उससे आपके क्रिकेट आगे नहीं जा सकती चलिए